Hey guys, what's up? So this is another video which will talk about the sentence which has a dat and how we should use that. यह एक और वीडियो है जहां हम लोग डैट के बारे में और भी चीज सीखेंगे और सारे सेंटेंस सीखेंगे जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होता है. दिस इज अनदर वीडियो वेयर वी विल टॉक अबाउट सम मोर सेंटेंस ऑफ डैट विच वी यूज इन द डे टू डे लाइफ एंड विच विल मेक आवर लाइफ इजी व्हेन वी हैव टू कम्युनिकेट टू समबडी एल्स. व्हेन आई से फर्स्ट सेंटेंस आई कैन नॉट लीव दैट काइंड ऑफ लाइफ. आई मीन्स मैं, कैन नॉट मीन्स नहीं, मैं इस तरह की जीवन नहीं जी सकता हूँ. आई कैन नॉट लीव दैट काइंड ऑफ लाइफ, मैं इस तरह का जीवन नहीं जी सकता हूँ. कैन नॉट मीन्स नहीं सकना. लीव, एल आई वी, लीव मीन्स जीना. काइंड ऑफ लाइफ, इस तरह का. सो द हिंदी मीनिंग ऑफ काइंड ऑफ मतलब इस तरह का, मैं इस तरह का जीवन नहीं जी सकता हूँ. आई डोंट वॉन्ट टू वेट दैट लॉन्ग. आई डोंट वॉन्ट टू वेट दैट लॉन्ग. मैं डोंट वॉन्ट, नहीं चाहता हूँ. वेट मतलब इंतजार करना. द हिंदी ऑफ वेट मीन्स इंतजार करना. मैं लंबे समय तक इंतजार नहीं करना चाहता हूँ. राइट, टू वेट दैट लॉन्ग मीन्स लंबे समय तक. मैं लंबे समय तक इंतजार करना नहीं चाहता हूँ. वेट मीन्स इंतजार. वेट मीन्स इंतजार. मैं लंबे समय तक इंतजार करना नहीं चाहता हूँ. आई सजेस्टेड दैट वी गो फिशिंग. आई सजेस्टेड दैट, मैंने सुझाव दिया था कि हम मछली पकड़ने जाए. मैंने सुझाव दिया था कि हम मछली पकड़ने जाए. आई सजेस्टेड दैट वी गो फॉर फिशिंग. सो द हिंदी ऑफ सजेस्ट मीन्स सुझाव देना. द हिंदी ऑफ सजेस्ट मीन्स सुझाव देना. द हिंदी ऑफ गो मीन्स जाना. द हिंदी ऑफ वी मीन्स हम. द हिंदी ऑफ फिशिंग मीन्स मछली पकड़ना. मैंने सुझाव दिया था कि हम मछली पकड़ने जाए. आई विश आई कुड बाई दैट गिटार. आई विश, मेरा तमन्ना है कि मैं वह गिटार खरीद सकता. आई विश आई कुड बाई दैट गिटार. मेरा तमन्ना है कि मैं वह गिटार खरीद सकता. आई मीन्स मैं, विश मीन्स मैं, इच्छा. द हिंदी ऑफ विश मीन्स इच्छा. कुड मीन्स सकना. द हिंदी ऑफ बाई मीन्स खरीदना. द हिंदी ऑफ बाई मीन्स खरीदना. दैट मतलब वह. गिटार मतलब वाद्य यंत्र, गिटार. मेरा तमन्ना है कि मैं वह गिटार खरीद सकता. दैट्स हाउ आई वॉज रेज्ड. दैट्स हाउ आई वॉज रेज्ड. मैं इस तरह उठाया गया. दैट्स हाउ आई वॉज रेज्ड. हाउ मीन्स कैसे. आई मीन्स मैं, वाज मतलब था, रेज मतलब उठाया गया. रेज मतलब उठाया गया. मैं इस तरह उठाया गया. वेल, दैट्स नॉट माई लाइन. सही में वह मेरा लाइन नहीं है. ओके, सो लेट मी करेक्ट दिस सेंटेंस. आई थिंक आई डिड मिस्टेक हियर. वेल, दैट्स नॉट माई लाइफ. सही में वह मेरा लाइन नहीं है. ओके, so when I say well that's not my life, that's not my line, so the Hindi of line is bindu or you can say it as a line. sahi mein wo mera line nahi hai. I know that you will pay for this. I means main, know means janana. mujhe pata hai ki tum iske liye pay karoge. you will pay. you means tum, will means karoge. pay matlab dena. for matlab, for this matlab isliye. main janta hu ki tum iske liye pay karoge. आई मीन्स मैं, नो मीन्स जानना. फॉर दिस मतलब इसके लिए. मैं जानता हूँ कि तुम इसके लिए पे करोगे. आई नो दैट यू विल पे फॉर दिस. मैं जानता हूँ कि तुम इसके लिए पे करोगे. आई नो दैट यू आर लाइंग. लाई मीन्स झूठ बोलना. द हिंदी मीनिंग ऑफ लाई मीन्स झूठ बोलना. मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो. मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो. आई नो दैट यू आर इन पेन. मैं जानता हूँ. द हिंदी मीनिंग ऑफ पेन इज दर्द. द हिंदी मीनिंग ऑफ पेन इज दर्द. मैं जानता हूँ कि तुम दर्द में हो. आई नो दैट यू आर इंटेलिजेंट. द हिंदी मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमान. मैं जानता हूँ कि तुम बुद्धिमान हो. आई नो दैट यू आर इंटेलिजेंट. मैं जानता हूँ कि तुम बुद्धिमान हो. आई नो दैट यू आर क्यूरियस. द हिंदी मीनिंग ऑफ क्यूरियस इज जिज्ञासु. द हिंदी मीनिंग ऑफ क्यूरियस इज जिज्ञासु. मैं जानता हूँ कि तुम जिज्ञासु हो. आई नो दैट ही हैज ए एलिफेंट. मैं जानता हूँ कि उसके पास हाथी है. द हिंदी मीनिंग ऑफ एलिफेंट मीन्स हाथी. हैज मतलब पास. द हिंदी मीनिंग ऑफ हैज मीन्स पास. मैं जानता हूँ कि उसके पास हाथी है. आई नो दैट ही वेंट टू लंदन. मैं जानता हूँ कि वह लंदन गया था. आई नो दैट He went. Past of go, went. Right? So went means था. London. वह London गया था. I know that he is a teacher. मैं जानता हूँ कि वह अध्यापक है. The Hindi meaning of teacher is अध्यापक. The Hindi meaning of teacher is अध्यापक. I know that he is a teacher. मैं जानता हूँ कि वह अध्यापक है. So thank you guys. With this we are done with that. And please my advice is read 2 times, 3 times, 4 times. Make sure that it should be in your primary brain so that you'll be able to speak. आप इसको 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो और आप make sure कीजिए कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं
तो आपको ये सोचना नहीं पड़े, आप आसानी से बोल पाए। यदि आपको वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वंस अगेन गाइज।